हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो नई वीडियो के साथ नया लुक भी आ गया है हमारा। कैसा लग रहा है बताना ज़रा। हम जा रहे हैं आज आपको गुड़गांव की हुडा मार्केट्स घुमाने और वहां पर क्या क्या फेमस चीज़ें मिलती हैं खाने को वो सब दिखाने। आप गुड़गांव में आते होगे, मॉल्स देखते होगे, साइबर आप घूमते होगे, लेकिन जो असली मज़ा है ना वो मार्केट्स में है। वहाँ की फेमस चीज़ें वो हम आपको दिखाएंगे और हम खाएंगे। चश्मे में अच्छी लुक आ रही है, वही पहन लेते हैं। सो गाइस, पहली मार्केट हम कवर करने जा रहे हैं सेक्टर 31, वहाँ पे हम करेंगे लंच। ये जो सारी मार्केट्स हैं ना, यहाँ पे कम दाम में बढ़िया टेस्ट मिलता है, ठीक है, तो वही दिखाने वाले हैं हम आपको। ये हम 31 की मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ये देखिए त्योहार का त्योहार के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इसमें। आज तो संडे, आज तो वैसे भी बहुत भीड़ रहने वाली है, इसलिए हम दिन में ही आ गए। हमने सोचा कि हम यहाँ पे लंच कर लेते हैं, भीड़ भी नहीं होगी और आप लोगों को दिख भी जाएगा। ओम स्वीट्स आपको हर मार्केट में मिल जाएगा यहाँ पर गुड़गांव में, तो ओम स्वीट्स तो कहीं भी आ जाओ आप, अच्छा खाना ही मिलता है, तो वो हम नहीं दिखाने वाले। इस मार्केट में कैपिटल, यहाँ पे जा रहे हैं हम लंच करने। यहाँ बाहर देख रहे हो इतने सारे टेबल्स लगे होते हैं, शाम को बैठने की जगह नहीं होती, लेकिन हम बाहर नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे अंदर। देखिए कैसी जगह हम बैठने वाले हैं, कितनी ज़्यादा जगह है बैठने। ऑर्डर किया स्पेशल थाली, देख सकते हैं, और साथ में मिली है हमें फ्री प्याज और चटनी। सस्ता भी, पेट भर गया हमारा तो। और यहाँ पे नॉनवेज भी बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप नॉनवेज लवर है तो भी ज़रूर आए यहाँ पर। गाइस ये है 32 की मार्केट, आप देख सकते हैं बहुत कुछ है यहाँ पर खाने का। वीर जी मलाई चाप भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत फेमस है और बंद पड़ी है अभी, वो है मुंबई एक्सप्रेस। यहाँ के वड़ा पाव और डाबेरी खाओ तो सब भूल जाओगे, यहाँ भी आप आ सकते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। आ चुके हैं अंबानी जी के पास, यहाँ की कॉफ़ी सबसे फेमस है, यहाँ आए तो ये ज़रूर पिए। ये है भैया की शॉप। भैया एक कोल्ड कॉफ़ी दे दो। इस मार्केट को यहीं पे ख़त्म करेंगे अंबानी जी की कॉफ़ी के साथ। ये तीन जगह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, यहाँ पे ज़रूर आइएगा अगर आप 31 मार्केट में आ रहे हो। 31 की यार अभी से पेट भर गया यार हमारा, तो आगे क्या होगा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज सेक्टर 46 की मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत एक्सपेंड भी हो रही है, नई नई शॉप्स भी बन रही हैं। यहाँ ज़ीरो डिग्रीज भी आ चुका है, अभी तो हम दिन में आए हैं तो देख लो कितनी भीड़ है, और शाम को तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। अभी भी देखना पड़ेगा हमें पार्किंग मिलती है या नहीं। नागपाल छोले कुलचे, सॉरी छोले भटूरे वाला और सीताराम दीवानचंद, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बट छोले भटूरे खाए तो अपना पता नहीं क्या हाल होगा। हम स्ट्रीट फूड खाएँगे जो फेमस है। ज़ीरो डिग्रीज भी नया खुला है ये। गाइज़ यहाँ चाय सुट्टा बार की कॉपी भी खुली हुई है एक, देख लीजिए। ये है यहाँ की मार्केट, मिस्टर सैंडविचेस, ज्ञानी, बेम्बू हाउस से लेकर स्टारविंग पांडा तक सब कुछ मिलता है यहाँ पे। त्योहारों के उपलक्ष्य में कैसे मार्केट लगी हुई है, करवा चौथ की भी तैयारी होती हुई। और जहाँ भी जाओगे आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, जो कि मैंने पहले भी बताया था, ये ओम जी। KFC भी खुल चुका है इस मार्केट में। अब चाय हम पीते नहीं हैं, पर आपको आना है तो बेकार चाय पे आके अच्छी चाय पी सकते हैं। गाइस यहाँ पे है फेमस गोलगप्पे वाले भैया, यहाँ के गोलगप्पे खाते हैं, ज़रा देखते हैं। एक्सप्रेशंस देख के पता चल रहा होगा कैसा टेस्ट है गोलगप्पों का। ये थी 46 की मार्केट, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, बट ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी फेमस कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको दिखा दिया। डोमिनोज भी है यहाँ पर, KFC भी है, नागपाल छोले भटूरे और सीताराम दीवानचंद छोले भटूरे। और ये जो गोलगप्पे वाला था, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, दो धेले के नीचे गोलगप्पे मत खाना यहाँ पे आओ तो। गोलगप्पे 5-6 तरीके का पानी है वो बोलते हैं, इसी वजह से शायद जनता खा लेती है, लेकिन आजकल ये चीज़ हर जगह मिल रही है, तो गोलगप्पे खा के अपने 30 रुपये वेस्ट ना करें, छोले भटूरे खा के अपना पेट फाड़ लें चाहे वो ठीक है। ओके अब चल रहे हैं हम सबसे खास मार्केट गुड़गांव की 14 सेक्टर।
वहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें हैं यार खाने की। हम क्या खाएंगे वो हम वहाँ जाके बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। गाइज नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, सेक्टर 14 की मार्केट। 14 की मार्केट हो या 31 की या 46 की, पार्किंग की समस्या आपको हर जगह मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ और पहले अपने 20 मिनट यहाँ पार्किंग में ख़राब करो, जैसे कि अब हम करने वाले हैं। बस सुना है यहाँ पे रौनक सबसे ज़्यादा मिलती है, दिखाते हैं आपको रौनकें, एक बार पार्किंग में लगा लें। साउथ इंडियन लवर्स, यही है वो जगह जहाँ पे तुम आ सकते हो, बहुत बढ़िया साउथ इंडियन फूड मिलता है यहाँ पे। ये कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये रौनक है या भीड़, क्या कहेंगे इसे, खुद बताइए आप। ये देखिए डोमिनोज के साथ साथ ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कौन है ये, होम स्वीट्स, जहाँ भी जाओ आपके साथ। मैकडी भी है यहाँ पर, क्या नहीं है यहाँ पर, बड़े से बड़ा ब्रांड और छोटे से छोटी स्टॉल फूड की। ये साइड में ये इतनी सारी फूड स्ट्रीट्स, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, जो खाना है यहाँ पे मिल जाएगा। बेल्जियम वॉफल, यहाँ पे खाने के साथ साथ लड़कियों की भी मार्केट है, तो लड़कियाँ आएँ खाएँ और शॉपिंग भी करें। ये देखिए दूर से दिखाते हैं, और जिसकी हमें तलाश है वो आ चुका है यहाँ। ये रहा नजीस रोल्स, सबसे फेमस। ये गए हम रोल लेने और ये आए हम रोल के बिना वापस। आधे घंटे बाद हमारा नंबर आया रोल का, इतना फेमस है, इतना टेस्टी है कि बंदे रुकते हैं आधे आधे घंटे। बहुत टेस्टी रोल है, कोई सा भी खा लो, वेज नॉन वेज बेस्ट। सो 14 में जो हम खाने आए थे वो था ये नजीम्स का रोल। बस साउथ इंडियन खाना है तो डोसा पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया था, साथ ही साथ लड़कियां यहाँ पे शॉपिंग करने आ सकती हैं, बट हम आए थे खाने और हमने ले लिया अपना खाना। अब चलते हैं नेक्स्ट मार्केट में, पेट का बुरा हाल हो चुका है और गाइस साथ साथ वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, वो भी देखना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ चुके हैं 23 और पार्किंग की जद्दोजहद जारी, मिल ही नहीं रही यहाँ तो, हर जगह मिली तो रो रो के। यहाँ पे तो सेहत के लिए कार लाना हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया करो, हम नन्हे बालक हैं। देखिए जितनी छोटी जगह में खाना लगा सकते थे उतनी छोटी जगह में लगा लिया। ये हर जगह मिलेगा आपको, जहाँ ये है मतलब वहाँ की मार्केट फेमस है, तभी ये है यहाँ पर। ऐसी दिखती है 23 की मार्केट, होम स्वीट्स से लेकर बाउजी मोमोस से लेकर ज्ञानीस, सब कुछ मिलेगा यहाँ। और पार्किंग देख सकते हैं कितनी लगी हुई है, और हमें भी एक घंटा लग गया, यहाँ पे आते तो 2 घंटे लगते। और हम जा रहे हैं आज दीपक भैया के पास, यहाँ के सबसे फेमस चाप मोमोज, सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे ही है, और उनकी दुकान के बाहर दुनिया ने वहाँ पे अपनी छोटी छोटी रेहड़ियाँ लगा ली हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीपक भैया। दिखाता हूँ आपको, ये हैं दीपक भैया फेमस, इनके आगे देखो दुकानें 1, 2, 3, 4, 5 और इधर। बहुत सोच विचार के बाद हमने ऑर्डर करे हैं वेज मोमोज, ये हैं गाइस गर्मा गर्म वेज मोमोज। पेट भरा हो तो ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ मोमोज खाए जाते हैं, एकदम ऐसे। बदनाम चाय को कैसे भूल सकते हैं यहाँ पे, ये है कोल्ड कॉफ़ी हब, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें कोल्ड कॉफ़ी की हैं लाइन में। सुबह से लेकर रात तक आज नॉन स्टॉप खाया है, बुरा हाल हो चुका है खा खा के, और वो भी इतना उल्टा सीधा खाया है, पर जाके एप्पल साइडर लेना पड़ेगा। सो गाइस कैसी लगी आपको मार्केट्स, और मार्केट्स में हमने दिखाया आपको फेमस जॉइंट्स जो थे, एक एक दो दो जो फेमस थे, बाकी पूरी मार्केट भी आपको दिखाई है मैंने, पर जहाँ पे एक पर्टिकुलर दुकान फूड जॉइंट जहाँ पे हमें जाना था वो हमने आपको बता दिया है कि उस मार्केट में जाएं तो वो तो डेफिनेटली ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो ट्राई करें खाएं, गए हो अगर आप पहले और आपने इनमें से कुछ भी टेस्ट किया है तो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और बहुत सारा प्यार बरसाएं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके। टिल देन गुड बाय बू।